यू नो, कई साल पुरानी बात है, मेरी सिस्टर की शादी से कुछ महीने पहले की बात। तो उसको था, भूत चढ़ा था कि भाई खाना बनाना सीखना है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तूने इतना चीज़ें सीख ली हैं, चल मैं तुझसे सवाल पूछता हूँ। कहती हाँ भाई पूछ, मतलब पनीर कैसे बनता है। तो मुझे वो रेसिपी बता रही है पनीर भुर्जी की, कि देख हम जीरा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर पनीर। नहीं, मतलब पनीर किससे बनता है, कैसे बनता है? कहती है मार्केट से आता है, बनाते थोड़ी ना है। एंड लाइक अच्छा, मतलब फिर भी बता दे, चल मार्केट वाले भी कैसे, मतलब पेड़ पे उगता है, कहाँ से उगता, आता कहाँ से है? उसको पता ही नहीं था। मैंने उसे बताया दूध से बनता है, हैरान हो गई, कह रही क्या बात कर रहा है, मतलब मैं बना के दिखा भी सकता हूँ। कहती सच्ची? बोला हाँ। और ये बहुत पुरानी बात है, सो आई डोंट ब्लेम हर। और ये कई लोगों के साथ होता है। तो आज जो पनीर भुर्जी मैं बनाऊँगा, उसे मैं बनाऊँगा ताज़े पनीर से, मतलब दूध को उबाल के उसको स्प्लिट करके पनीर बनाकर फिर। और इस पनीर भुर्जी की खास बात यह है कि जब भी आप फ्रेश पनीर या छेना से आप ये भुर्जी बनाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट, क्रीमी और बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए बनाते हैं पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जी के लिए लिया है मैंने फुल फैट मिल्क, इसमें डालेंगे विनेगर, आप चाहें तो लेमन भी डाल सकते हैं, ये विनेगर स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसको पानी डाल के ज़रा सा डाइल्यूट कर रहा हूँ फुल फ्लेम, एंड इसे अब हम स्टर करेंगे। होता क्या कि जो खटास है विनेगर की, वो इसे स्प्लिट कर देगी। ये देखिए, और देखिए अभी कितना लचीला, कितना वॉबली है ये पनीर, फ्रेश पनीर है और पनीर तैयार। ये है मसलिन क्लॉथ, इसे हम छान लेंगे। नाउ एक तरीका है कि आप इसे एक ब्लॉक में बना सकते हैं और इसे काट कर एज पनीर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें पनीर की भुर्जी बनानी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। Look at this beautiful paneer. Crumbly paneer है, बहुत soft है। इसका जो vinegar का taste है, उसे निकालने के लिए इसमें मैं पानी डालूंगा थोड़ा। चलिए जानते हैं हमारे आज के tips and tricks के अंदर कि पनीर भुर्जी के लिए वो क्या ऐसी चंद बातें हैं जिससे वो हमेशा perfect बनता है। देखिए, पनीर भुर्जी बनाने के लिए बेस्ट है अगर आप ताज़ा पनीर घर पर ही बनाते हैं, उससे पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी होता है। पनीर भुर्जी की कोई एक रेसिपी नहीं है, अनेक रेसिपीज़ हैं, जो भी फ्लेवर आप डालना चाहते हैं आप उसमें डाल सकते हैं। वैसे थोड़ा सा मिर्ची का अचार, उसकी पेस्ट अगर आप डाल देंगे ना, क्या बढ़िया अचार ही पनीर भुर्जी बन जाएगा। और हाँ, पनीर जब आप निकाल लेते हैं, छान लेते हैं, जब वो दूध में से स्प्लिट होता है, उसे बहुत ज़्यादा निचोड़ना नहीं है, साथ ही साथ उसको खुले हवा में नहीं रखना, क्योंकि उससे वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा। पनीर बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप फुल फैट मिल्क का ही इस्तेमाल करें। जब आप पनीर को पकाते हैं पैन के अंदर या कढ़ाई के अंदर, ज़्यादा नहीं पकाना। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे, पनीर ऑयल छोड़ देगा और बहुत ही ज़्यादा एक ऑयली सब्जी बनेगी, विच वी डोंट वॉन्ट। तो ये थे हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स, चलते हैं रेसिपी की तरफ। पनीर भुर्जी बनाने के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा ऑयल एंड बटर, आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। ऑयल एंड बटर, इसे करेंगे थोड़ा मेल्ट, इसमें जाएगा जीरा, अब इसमें हम डालेंगे चॉप्ड गार्लिक एंड जिंजर। देखिए ये जो भुर्जी बन रही है, ये पंजाबी स्टाइल बन रही है। आपके यहाँ पर पनीर भुर्जी में क्या स्पेशल फ्लेवर डलता है बताइए कमेंट्स में यार। ये है हरी मिर्च, ये है इसमें अनियन, चॉप्ड अनियन, वाह पूरी किचन महक गई। मक्खन, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, व्हाट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। सो यू डोंट हैव टू रियली ब्राउन द अनियंस मच बिफोर दैट। हम इसमें डालेंगे मसाले, ये चिली पाउडर और ये धनिया पाउडर, गिव इट अ नाइस स्टर। वाह क्या प्याज में बढ़िया रंग आ गया। इसी रंग को बरकरार करते हुए हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर, इसमें जाएगा नमक। टमाटर को भूनना है करीबन 3 मिनट के लिए, अगेन मैश नहीं करना। थिंग इज के भुर्जी के अंदर, क्योंकि पनीर की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल सॉफ्ट है, तभी हमें जो अनियन है और टमाटर है वो क्रंची चाहिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो देयर इज अ बिट ऑफ अ बैलेंस। ये है भाई हमारा पनीर,
अभी भी गर्म है, बढ़िया। लुक एट दैट, नाइस एंड स्मूथ। अब ये पनीर जाएगा हमारे इस मसाले में। इस तरीके से पनीर को हमें बारीक तोड़ना है। जैसे ही पनीर को थोड़ी सी हीट लगेगी वो बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा और बढ़िया सा एक मखमली सा उसका टेक्सचर हो जाएगा। दो चीज़ें मिसिंग हैं इसमें, एक है कसूरी मेथी का पाउडर और खूब सारा कटा हुआ धनिया। There you go. Look at that. Beautiful. गैस को करेंगे बंद और इसे अब हम प्लेट करेंगे। और हमारी पनीर की भुर्जी डन। ये तो थी भुर्जी। अब अगर आपको पनीर के बारे में जानना है, मतलब थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चलिए उसके बारे में बात करेंगे एक्स्ट्रा शॉट्स। जो पनीर शब्द है वो आता है पेनीर से। पेनीर एक टर्किश पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है चीज, और ये बफेलो मिल्क या काउ मिल्क से बनता है। ऐसा माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हम लोग बात कर रहे हैं 4,500-5,000 साल से भी पहले, इंडस वैली सिविलाइजेशन में पनीर बनाया जाता था। लेकिन जब आर्यंस आए और उन्होंने इन्वेड किया तो उनका मानना था कि दूध बहुत प्योर चीज़ होती है, उसको स्प्लिट नहीं करना चाहिए, उसे फाड़ना नहीं चाहिए। तो उन्होंने वो प्रैक्टिस कहते हैं वहाँ पर रोक दी। और कहते हैं कि टर्किश और पर्शियन इन्वेजन्स और अफगान इन्वेजन्स हिंदुस्तान में हुए, उन्हीं के साथ पनीर बनाने की कला एक बार फिर से हिंदुस्तान में आई। तो ये थे कुछ फैक्ट्स ऑन पनीर। अगर आपके पास कोई कमेंट्स है पनीर को लेकर, प्लीज़ प्लीज़ उसको मेंशन कर रहिए। बेटर है कि ये जो नॉलेज का लेन देन है ये यूं ही चलता रहे। चलिए मिलते हैं इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक लाइक सब्सक्राइब प्लीज़। मैं नहीं मिलाऊंगा हाथ में ना, सादा पासा छड्डू। चलो बोल, तुम लोग के ना आते बिगड़ गई हैं। कहाँ जाना है, लेके जाओ कोई। चलो गरम है, ठीक है जी।